नाउ आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू द इलिप्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्टर सर्कल। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, अगर हमारे पास पॉइंट है एक्स वन वाई वन, लाइज आउटसाइड और ऑन और इनसाइड द इलिप्स एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन। इफ अगर तो आउटसाइड है तो एस वन वन की वैल्यू जीरो होगी, जैसा कि हमें पता है कि हमने ये काम सर्कल में भी किया था, पैराबोला में भी किया था। अगर एस हमारे पास एलिप्स है तो जो एस वन वन होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स वन स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस वन। मीन्स हमने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स वन के साथ और वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई वन के साथ। तो अगर तो एस वन वन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मीन्स ये जो पॉइंट है कोई भी पॉइंट है, तो अगर तो एस वन वन की वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड दी सर्कल आउटसाइड दी इलिप्स होगा अगर एस वन वन पॉजिटिव है। अगर एस वन वन जीरो है तो पॉइंट ऑन दी इलिप्स होगा, और अगर एस वन वन की वैल्यू नेगेटिव आती है इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा वो इनसाइड दी इलिप्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इलिप्स एक्स स्क्वेयर ओवर वन प्लस वाई स्क्वेयर ओवर टू इज इक्वल टू वन है, मीन्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे पास ये इलिप्स की इक्वेशन है और अगर पॉइंट वन वन की बात करें तो यहां पे एस वन वन फाइंड करेंगे, तो यहां पे अगर पॉइंट सब्स्टिट्यूट की एक्स की वैल्यू वन तो ये हमारे पास आ गया वन प्लस वन का स्क्वेयर माइनस टू, सो दैट इज इक्वल टू वन। क्लियरली ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स ये जो पॉइंट है वन वन इट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। और अगर जीरो जीरो पॉइंट की बात करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एस वन वन की वैल्यू जो हमारे पास आएगी जीरो का स्क्वेयर टू इंटू जीरो का स्क्वेयर प्लस जीरो का स्क्वेयर माइनस टू, दैट इज माइनस, वो वैल्यू जो आ जाएगी माइनस टू, तो नेगेटिव आ गया। इट मीन्स ये जो पॉइंट है जीरो जीरो इट लाइज इनसाइड दी इलिप्स। और अगर एस वन वन की वैल्यू किसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो के इक्वल आती है इट मीन्स वो जो पॉइंट होगा वो ऑन द इलिप्स लाई करेगा। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इलिप्स टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू एन इलिप्स विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड करेंगी या फिर इमेजिनरी होंगी अकॉर्डिंग एज द पॉइंट लाइज आउटसाइड और ऑन और इनसाइड द इलिप्स। तो मीन्स अगर तो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है, अगर तो पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स है तो हम टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। अगर पॉइंट ऑन द इलिप्स है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और अगर पॉइंट इनसाइड द इलिप्स है देन जो ऐसी कोई भी टेंजेंट इलिप्स को ड्रा नहीं की जा सकती, तो इट मीन्स वी कैन से दैट इमेजिनरी। सो जो टेंजेंट्स होगी दैट विल बी इमेजिनरी। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में टेंजेंट्स में किया था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी की थी, तो अगर टेंजेंट की बात करें एक्स स्क्वेयर, अगर हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन है, तो एंड पी अगर कोई एक्स वन वाई वन पॉइंट है तो हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन जो होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एनी टेंजेंट फ्रॉम पी इज ऑफ द फॉर्म कैसी होगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस दिस वन। तो अगर क्योंकि ये एक्स वन वाई वन से पास कर रही है
तो देयर फोर वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस माइनस स्केयर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर. नाउ दिस कैन बी रिटन एज वाई वन माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर एम स्केयर. नाउ अगर स्केयरिंग कर दें और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन एम. माइनस टू एक्स वन वाई वन, वाई वन का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू जीरो. तो जैसा कि हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम है, या तो इसके टू डिफरेंट रियल रूट होंगे या फिर टू इक्वल रूट्स होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे. और जो रूट्स हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में जो डी हमारे पास आ जाएगा दैट इज फोर एक्स वन स्केयर वाई वन स्केयर माइनस फोर इंटू एक्स वन स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू वाई वन स्केयर माइनस बी स्केयर. तो ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एस वन वन, क्योंकि अगर हमारे पास ये लिप्स एस है तो एस वन वन की वैल्यू जो होगी दैट इज एक्स वन स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई वन स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन. नाउ डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा एस वन वन, और जैसा कि हमें पता है कि इसके डिफरेंट रूट कब होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा ठीक है. सो डिफरेंट रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स कब होंगे इफ डी जो है डी मीन्स एस वन वन क्या होगा ग्रेटर देन जीरो. इक्वल रूट्स कब होंगे अगर डी मीन्स एस वन वन की वैल्यू जीरो है. और इमेजिनरी रूट्स कब होंगे अगर डी एस वन वन की वैल्यू क्या है हमारे पास नेगेटिव. तो जैसा कि हमने अभी किया है तो एस वन वन पॉजिटिव किस केस में होता है अगर पॉइंट आउटसाइड हो, और इक्वल टू जीरो कब होता है अगर ऑन टू दी ऑन टू दी लिप्स हो ऑन दी कर्व. और नेगेटिव कब होगा एस वन वन अगर पॉइंट जो है इनसाइड दी इलिप्स है. तो इट मीन्स अगर तो पॉइंट आउटसाइड दी इलिप्स है तो इट मीन्स हम टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर ऑन दी इलिप्स है तो हम एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और अगर एस वन वन की वैल्यू नेगेटिव है तो हम सिर्फ एक ही हम कोई भी ऐसी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते. तो जो टेंजेंट्स होगी दैट विल बी इमेजिनरी. नाउ पॉइंट आउटसाइड दी इलिप्स है तो इट मींस हम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट. जैसा कि हमने अभी किया है कि अगर पॉइंट आउटसाइड दी इलिप्स है तो हम टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं. नाउ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट पी जो आउटसाइड दी इलिप्स पी एक्स वन कॉमा वाई वन अगर पॉइंट है, तो एस अगर हमारे पास इलिप्स है तो जो जॉइंट इक्वेशन आएगी दैट विल बी एस इंटू एस वन वन इज इक्वल टू एस वन का स्क्वायर. तो एस अगर हमारे पास ये इलिप्स है तो एस वन की वैल्यू क्या होगी एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. और एस वन वन की अगर बात करें दैट विल बी एक्स वन का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो अगर ज्वाइंट इक्वेशन की बात करें तो एस इंटू एस वन वन इज इक्वल टू एस वन का स्क्वायर. तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबसे पहले एस की वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इंटू एस वन वन. अब एस वन वन की वैल्यू हमारे पास एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एस वन का स्क्वायर. तो एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स की. सो अगर हमारे पास इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर
एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू वन टू हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है, और वन वन जैसा कि हमने अभी किया है कि ये जो पॉइंट है इट लाइज आउटसाइड दी इलिप्स। तो अगर आउटसाइड दी इलिप्स है तो हम टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो दोनों की अगर ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी हो, ज्वाइंट इक्वेशन, तो वो क्या आएगी, एस इंटू एस वन वन इज इक्वल टू एस वन का स्क्वायर। तो एस हमारे पास क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एस वन की बात करें तो दैट इज टू एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई इंटू वाई वन के साथ, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स टू एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, एस वन की वैल्यू। और एस वन वन की बात करें, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन, तो वो हमारे पास आ जाएगा वन। तो ज्वाइंट इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी, ज्वाइंट इक्वेशन दैट इज एस इंटू एस वन वन इज इक्वल टू एस वन का स्क्वायर। एस वन वन की वैल्यू हमारे पास वन है, तो वन इंटू एस की वैल्यू टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एस वन। एस वन हमारे पास है टू एक्स प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टर सर्कल। तो जैसा कि हमने अभी किया कि अगर पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स है, सो मैक्सिमम हम कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, टू टेंजेंट्स। तो वो टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स आएंगे जिनसे अगर इलिप्स को परपेंडिकुलर टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करें, तो ऐसे जितने भी हमारे पास पॉइंट है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन के, सो जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लोकस को क्या हम बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। सो डायरेक्टर सर्कल हमारे पास क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो जो टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उस पॉइंट का जो लोकस आएगा दैट विल बी दी डायरेक्टर सर्कल। तो अगर हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन है, तो जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी, डायरेक्टर सर्कल की, तो आपने ये रिमेम्बर भी रखना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये हमारे पास स्क्र रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल स्क्र। तो ये वाला जो सर्कल आएगा, इसका सेंटर जीरो जीरो होगा और इसकी रेडियस क्या होगी, स्क्र रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। नाउ अब ये कैसे आया, तो जैसा कि हमने अभी किया कि अगर पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड द इलिप्स है, तो हम टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और जो ज्वाइंट इक्वेशन होगी दैट इज एस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन वन इंटू एस। तो एस वन स्क्वायर की अगर बात करें, एक्स वन जो है एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एस वन स्क्वायर माइनस एस वन वन इंटू एस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे माइनस आ जाएगी, एस वन वन की वैल्यू एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इंटू एस की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज्वाइंट इक्वेशन। तो दो टेंजेंट्स की हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन आ चुकी है। तो जैसा कि हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी किया था, वहां पे ज्वाइंट इक्वेशन में किया था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, अगर ए प्लस बी की वैल्यू जीरो होगी, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन है, जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो यूजिंग दिस रिजल्ट, सो ये वाली जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, सो
सो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, या हम ये भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन वन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन वन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर ओवर ए टू द पावर फोर माइनस वन ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन। एक तो यहां से आ जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, दूसरा अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा वाई वन स्क्वायर ओवर बी टू द पावर फोर माइनस वन ओवर बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर लोकस ऑफ एक्स वन वाई वन जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। नाउ अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें तो अगर एक्स स्क्वायर ओवर नाइन प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू वन, अगर हमारे पास ये एलिप्स की इक्वेशन है तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने डायरेक्टर सर्कल फाइंड करना है तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 प्लस 25 दैट इज 34। सो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट पी बी एन एक्सटीरियर पॉइंट टू एन एलिप्स एंड टी और टी डैश जो है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू द एलिप्स। क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स है तो हमें पता है कि हम टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और टी और टी डैश हमारे पास पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं ऑफ टेंजेंट्स टेंजेंट्स के। देन द कॉर्ड ज्वाइनिंग टी एंड टी डैश, ये जो कॉर्ड आएगी टी टी डैश को ज्वाइन करने वाली दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास एस इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन या माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने पैराबोला और एलिप्स में भी पैराबोला और सर्कल में भी किया था, तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी दैट विल बी एस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एस वन कैसे आएगी, एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये हमारे पास इक्वेशन आएगी टी टी डैश की, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो अगर हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव और माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और ये पॉइंट वन टू गिव हमारे पास है, तो अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एस वन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स थ्री एक्स को एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स इंटू एक्स वन प्लस फोर वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई इंटू वाई वन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री एक्स प्लस एट वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू फाइव, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और हमारे पास कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पी पॉइंट से इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्टेंस फाइंड करो, पी पॉइंट से वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दिस लाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। सो अगर डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू टी टी डैश, तो अगर इसको डी कंसिडर कर लें, पी एम अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा,
PM की लेंथ, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम P टू TT डैश। तो P हमारे पास क्या है 1, 2, P हमारे पास क्या है 1, 2। तो इस पॉइंट से हमने ये इस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 1 प्लस 8 × 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 3² प्लस 8² सो दैट इज 3 + 16 माइनस 5 ओवर स्केयर रूट ऑफ 64 प्लस 9 सो ये हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 73 सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ए डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है फ्रॉम 1, 2 टू द लिप्स x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो पॉइंट है हमारे पास 1, 2 आउटसाइड द लिप्स है, और एक तो हमने ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, और दूसरा हमने उनमें क्या करना है एंगल फाइंड करना है। तो s हमारे पास x² प्लस 2y² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इलिप्स की इक्वेशन है। तो s1 हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और s11 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो जो ज्वाइंट इक्वेशन है हमारे पास दैट इज s × s11 इज इक्वल टू s1 का स्क्वायर। तो 6 × x² प्लस 2y² माइनस 3 इज इक्वल टू s1 का स्क्वायर, x प्लस 4y माइनस 3 का हो स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5x² माइनस 8xy माइनस 4y² प्लस 6x प्लस 24y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो अब हमने इनके इनमें एंगल भी फाइंड करना है, तो जैसा कि आर्टिकल में भी हमने कहा था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अगर स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बिटवीन देम दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 × √h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, h की वैल्यू -4 क्योंकि 2h की वैल्यू -8 है, तो h की वैल्यू -4 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4। सो tan थीटा जो हमारे पास आ जाएगा 2 × √h² 16 माइनस ab 5 × -4 डिवाइडेड बाय a + b। तो a + b सो दिस इज 2 × 16 + 20 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारा 36 का स्केयर रूट हमारे पास 6 आ जाएगा, सो 6 × 2 = 12। सो tan थीटा जो हमारे पास 12 है, इट मींस जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज tan इनवर्स 12। तो एंगल बिटवीन दी स्ट्रेट लाइंस हमारे पास क्या है tan इनवर्स 12। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।